ओम गण गणपते नमः। दोस्तों 2 अक्टूबर यानी कि आज है संकष्टी चतुर्थी। गणपति की पूजा से दूर होंगे सारे विघ्न और बाधाएं। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। दक्षिण भारत में संकष्टी चतुर्थी को गणेश संकटहरा या फिर संकटहरा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती है। मान्यता है कि इस दिन गणपति की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आइए मिलकर जानते हैं तिथि और मुहूर्त के बारे में। संकष्टी चतुर्थी तिथि एवं शुभ मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी व्रत सोमवार 2 अक्टूबर 2023 को है, जबकि चतुर्थी तिथि 2 अक्टूबर शाम 7:36 से 3 अक्टूबर की सुबह 6:11 तक रहेगा। चंद्रोदय समय 2 अक्टूबर रात्रि 8:05 तक रहेगा। जानते हैं इसका पूजन विधि क्या है। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा की पूरा लाभ आपको मिलेगा। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के मौके पर पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लें, फिर गणेश जी को मोदक, दूध, लड्डू, पुष्प आदि अर्पित करते हुए उनकी विधिवत आराधना करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ माता दुर्गा जी की भी फोटो या फिर मूर्ति रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। सूर्योदय के शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। इस दिन चंद्रमा को देखना भी काफी शुभ माना जाता है। चंद्रमा की पूजा करें और उन्हें फूल, जल, चंदन, चावल आदि चढ़ाएं। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इसके बाद आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। जय श्री गणेश। दोस्तों यह थी जानकारी संकष्टी चतुर्थी के बारे में कि आपको गणपति और माँ दुर्गा की पूजा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त मैंने बताया। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।